महेंद्र जी, जिस तरह से संदीप ठाकुर जी ने भी कहा कि नेपाल में, श्रीलंका में, भूटान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हमारे यहाँ से पेट्रोल और डीजल के दाम वहाँ पे बहुत कम है, वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या उनकी सरकारों को पैसा नहीं चाहिए? क्या उनकी सरकारें कोरोना काल में पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो गई जिस तरह से हमारी हो गई, जिस तरह से मतलब नैरेटिव्स चलाए जा रहे हैं? वो इंडस्ट्रीज कैसे चला पा रहे हैं? उनकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी तो है। जी गौतम जी, देखिए, एक व्यापार के अंदर में किसी व्यापारी को गाली देने के लिए पहले दो शब्द प्रयोग में लाए जाते थे, एक था मुनाफाखोरी और एक जमाखोरी। तो इन दो शब्दों को बुरा माना जाता था। सर, हमारे लीडर थे, वो भाषण देते थे कि जमाखोरों को और मुनाफाखोरों को नहीं बख्शा जाएगा। इससे जुड़ते हुए एक शब्द मिला मुझे, प्रॉफिटियरिंग। जब ये जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ, उसमें एक लॉ बनाया गया था, एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ। एंटी प्रॉफिटियरिंग का मतलब ये था कि टैक्स के जो मर्जिंग की वजह से जो बेनिफिट होगी, उसे आप नहीं रख सकते हो, आपको आगे पास ऑन करना पड़ेगा। अगर आपने रखा, उससे प्रॉफिट बनाया गया, तो आपके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दैट वाज एंटी प्रॉफिटियरिंग। अब वर्तमान परिस्थिति में हुआ क्या, 2 साल की खाली मैं बात कर रहा हूँ, तो इस 2 साल में सरकार ने सिर्फ दो ही काम किए, मुनाफाखोरी और जमाखोरी। मुनाफाखोरी तो स्पष्ट है कि दुनिया में जब क्रूड के दाम नेगेटिव चले गए थे, सौदा कैंसिल करने के लिए घर से पैसे दिए जा रहे थे, उस समय सरकार ने इंपोर्ट बंद नहीं किया था। उस समय इंपोर्ट चलता रहा, आपने $10 दिखाया, $10, $5, $15 कितने पर पता नहीं है, लेकिन पब्लिक के लिए प्राइसेस थे करीब 3 महीने तक अनचेंज्ड प्राइस चले, जबकि दैट वाज द लोएस्ट पीरियड ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो ये था मुनाफाखोरी वाला पीरियड, जिसके अंदर जी, में ये देखिए ना, बेहिसाब। 2020 में 11 11 डॉलर है, 11.26 हाँ, जो लोवेस्ट था। वही कह रहा हूँ, उसके आसपास का पीरियड में 5-7-10 डॉलर ऊपर नीचे चलते रहे। उस पूरे पीरियड में ये सरकार का जो दाम था वो फिक्स रखा गया, करीब करीब 80-90 दिनों के लिए कोई चेंज प्राइस में नहीं था, और जब उसको घट नहीं जाए उसके लिए कुशन डाल दिया गया। 2 बार उसमें बड़ा हैवी इंक्रीज ऑफ एक्साइज ड्यूटी कर दिया गया। दूसरा जो मैं कह रहा हूँ, जमाखोरी। आप कहेंगे जमाखोरी कैसे संभव है? तो साहब, सरकार कर क्या रही थी उस पीरियड में, कि जो स्टोरेज कैपेसिटी जो क्रूड की सरकार के पास में है, वो इतनी थी कि 5-7 दिन का क्रूड इकट्ठा रख सकती थी, उससे ज़्यादा नहीं। उस समय बहुत बड़े पैमाने पर सरकार ने ये जो स्टोरेज टैंक बनाने का काम जिम्मे लिया, और कम से कम 10-12 जगहों पर ये बड़े बड़े टैंक क्रिएट किए गए, ताकि ये $8-10 वाला क्रूड ला करके उसमें भर लिया जाए, तो भविष्य में इसका हमको लाभ मिलता रहेगा। ये हो गई साहब जमाखोरी। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सी आपकी बात का उत्तर पर आता हूँ कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ तो मैंने बता दिया क्या हो रहा था, ये दोनों काम हो रहे थे। पिछले हफ्ते मेरी एक मीटिंग थी, ये IIM अहमदाबाद के कुछ सीनियर प्रोफेसर के साथ में, और हम ये टैक्सेस को लेकर चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने बताया कि इस तरह से डीजल पर इतना जो बेहिसाब लोडिंग है, इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए। उनका उत्तर बहुत आई ओपनर था मेरे लिए। उन्होंने कहा कि आप इस बात को भूल जाइए कि सरकार इसको कभी भी घटाएगी, कम करेगी, कुछ नहीं होने वाला। इसका कारण क्या है कि टैक्स के जो 2-3 रूप हैं, अभी शायद वीरेंद्र जी ने चर्चा की थी, एक जीएसटी है, इनकम टैक्स है, पेट्रोलियम प्राइसेस है। सबसे आसान कलेक्शन जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। कितना भी टैक्स बढ़ जाता है, आप लाइन लगा करके पेट्रोल पंप पर जाकर खड़े रहते हो और सरकार को टैक्स देते रहते हो। इससे बेहतर तरीका सरकार के पास में टैक्स कलेक्शन का नहीं है। इनकम टैक्स लेने के लिए उनको दुनिया भर के पापड़ बेलने पड़ते हैं, जीएसटी के अंदर लंबा चौड़ा तंत्र बना के बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक ऐसा टैक्स है जो सरकार की तिजोरी में हम डाल के आ रहे हैं। हर हर हिंदुस्तानी डालता है, जब वो अपने स्कूटर के अंदर पेट्रोल डालता है या अपनी गाड़ी के अंदर डीजल डालता है, हर हिंदुस्तानी उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये चल रहा है साहब। अब ये इसमें कौन सा मैंने प्लानिंग है फ्यूचर की, ये मैं नहीं जानता, और ये दूसरे देशों के पास ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं है, ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन जो भी हो रहा है,
ये वर्तमान को खत्म कर करके हम भविष्य को बचाने की कोशिश करेंगे तो भविष्य आएगा कहाँ से जब वर्तमान बचेगा ही नहीं। बिल्कुल, भविष्य को बचाने की कोशिश करेंगे तो भविष्य आएगा ही कहाँ से।